चलो बोलो, पहले तो कल का क्लास से कोई भी डाउट्स? कल क्लास से तो नहीं है, बट आपने थोड़े टाइम पहले क्लास ली थी तो क्वेश्चन दिया था ना, 1 - 4 = 8। कितना आया? एक सेकेंड, ठीक है। एक बार मेरे को सम भेज सकता है कोई? वन माइनस कॉस 4x अपॉन अच्छा, और निकालना क्या था? k का वैल्यू, जिसके लिए लिमिट डिफाइंड है, कंटिन्यूअस। अच्छा तो बोलो, और किसी को याद है ये सम? नहीं, वो भूमिका रिकॉर्डिंग अब गूगल मीट से नहीं होगा, वो दूसरा ऐप से होगा, इसीलिए सेटअप भी चेंज्ड है आज, अब से यही सेटअप में होगा क्लासेस। बट थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बोलो, किसी को याद है ये सम? मेरे को बस ये बोलो, इसमें कंटिन्यूटी बोला हुआ था कि है कि लिमिट डिफाइंड है, ये था? अच्छा, तो अगर कंटिन्यूटी डिफाइंड है तो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या था? रुक जाओ जसलीन, आपने कोई और बोलेगा, कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी क्या था? एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? वेरी गुड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर। उस दिन मैंने ये सम करने से मना कर दिया था क्योंकि हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल नहीं किए थे तब तक, लेकिन अब हम लोग कर लिए, तो इसको बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? बाकी सबका ये आ रहा है? कुछ नहीं करना है, खाली एल हॉस्पिटल लगा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है। अभी भी हम लोग का एल हॉस्पिटल इनडिटर्मिनेट आ रहे हैं, वापस एल हॉस्पिटल लगाएंगे, कितना आएगा? बताओ कोई। 16 को और डिनोमिनेटर में 16. तो वैल्यू कितना आ रहा? तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, हम लोग को ये प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्सटीट्यूट तो ज़ीरो ही कर रहे हैं, एंड यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम लोग का ये वाला फंक्शन है। अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए अलग अलग होता है, तभी खाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट होता है। व्हेन ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए सेम फंक्शन फॉर्म होता है, तो हमेशा वो दोनों तो इक्वल होता ही है। तो ये दोनों इक्वल हो गई, नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे ए क्या है? ज़ीरो, क्योंकि हम लोग को पता है कि ज़ीरो इज़ दी ओनली पॉइंट जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ सकते हैं, तो हम लोग ज़ीरो पे ही चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ ज़ीरो शुड बी इक्वल टू 1, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो और कोई डाउट किसी को? ठीक है, उसका डाउट हम लोग लेंगे, एक क्लास रखेंगे उसके ऊपर, दो तीन वर्कशीट्स का मिला के आई विल कीप क्लासेस। एक बार व्हेन आई एम श्योर कि आप लोग थोड़े
8 पार हो सारे वर्कशीट्स के, मे बी नेक्स्ट वीक में आई थिंक वी विल कीप अ क्लास, डाउट्स क्लास स्टैट्स के ऊपर, फिर एक दिन मैथ्स के ऊपर, ठीक है? चलो आज हम लोग करेंगे लॉजिकल रीजनिंग. आज एजेंडा के लिए 3 है. बताओ पहले कौन सा करना है? कैलेंडर करा दो, कैलेंडर इजी है. अच्छा कैलेंडर इजी है, मुझे तो क्लॉक ज़्यादा इजी लगता है. और सबसे ज़्यादा इजी इसमें से वैसे सिलॉजिज्म था, इवन तो नाम सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, बट सिलॉजिज्म इज़ वेरी इजी उसमें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट वैसे नहीं होते. ठीक है चलो कैलेंडर करना है तो कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं. क्या होता है कैलेंडर? वॉट इज कैलेंडर? जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, 7 वीक्स होते हैं और सारे डेज का रिकॉर्ड रहते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैलेंडर. एक ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डिनरी में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 365. ठीक है. आज क्या सिर्फ जसलीन ही है मेरे क्लास में? बाकी लोग भी रिप्लाई करो. अच्छा अब कैलेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑड डेज, एकदम ध्यान से सुनना है इस कॉन्सेप्ट को. व्हाट आर ऑड डेज? हम लोग सबको पता है कि हम लोग जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हम लोग एक ईयर में 52 वीक्स कंसिडर करते हैं, राइट? लेकिन एक ईयर में एक्चुअल में ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स प्लस वन डे होते हैं, क्योंकि 365 को इफ़ यू ट्राई डिवाइडिंग बाय 7 यू विल गेट वन एज अ रिमाइंडर. तो इसीलिए एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स प्लस वन डे होते हैं और एक लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा डेज है ना अपार्ट फ्रॉम द वीक, तो मतलब हम लोग ऑड क्या चीज़ को बोलते हैं? ऐसा कोई भी रिमाइंडर जो वीक में फिट नहीं हो रहा हूँ. तो इफ़ आई से 10 डेज है तो इसमें ऑड डेज कितना होगा? बोलो कोई जसलीन के अलावा. और भूमिका और अदिति प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर दो. थ्री डेज ऑड होगा क्योंकि 7 पे हम लोग एक वीक को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लोग के पास फिर भी 3 डेज का रिमाइंडर बचेगा, राइट? तो इसीलिए 3 ऑड डेज होगा. अब ये तो पता है कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज एंड एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे. इसीलिए आप लोग नोटिस करोगे कि कोई भी आप कैलेंडर को खोलोगे उसमें यूजुअली अगर प्रीवियस ईयर लीप ईयर था तो हम लोग का करंट ईयर में सेम डे विल बी जस्ट, मतलब सेम डेट पे अगर सपोज हम लोग आज का डेट है 21 अक्टूबर, सेकंड, आज 21 अक्टूबर है और आज का डे है थर्सडे. कैलेंडर में आप लोग देखोगे तो आपको क्या लगता है लास्ट ईयर मतलब 2020 में 21 अक्टूबर कौन से डे पे था? अतीक प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लूँ. बोलो क्या लगता है क्या था 2020 में 21 अक्टूबर कौन से डे पे पड़ा होगा? वेडनेसडे. और 2019 में कौन से डे पे पड़ाएगा? मंडे.
जिन लोग बोलते हैं मंडे क्यों, और जिन लोग बोलते हैं ट्यूसडे क्यों, तो क्या हुआ? लीप ईयर होने से मेरे डे पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये देखो, अगर हम लोग का एग्जैक्ट 52 वीक्स का ईयर होता, विच मीन्स अगर 364 डेज का ईयर होता, तो हम लोग का फिक्स्ड कैलेंडर होता एक ठो, बिल्कुल एक फिक्स कैलेंडर होता। अगर लीप ईयर नहीं होता, ऑर्डिनरी ईयर कुछ नहीं है, हर ईयर अगर 364 डेज का होता तो 21 अक्टूबर एवरी ईयर थर्सडे पे पड़ता, हाइपोथेटिकली एवरी ईयर वो थर्सडे पे पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग का एवरी ईयर एक एक दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर अगर मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो ये साल ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि वो जो वन डे है वो वीक का फर्स्ट डे ऑलरेडी खा लिया हम लोग का 2020 में। सो हम लोग के 21 का कैलेंडर ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन खाने के बजाय कैलेंडर प्रीवियस ईयर का 2 दिन खा लेते हैं। तो क्या हुआ ये देखो, अब वो ये भी हम लोग को देखना होगा कि वो एक एक्स्ट्रा दिन कब खाते हैं। ऑल ऑफ अस नो कि 28 फेब ऑर्डिनरी ईयर्स में होता है और 29 फेब लीप ईयर में होता है, ये सबको पता है। तो 29 फेब के पहले जितना भी डेट्स है उसका डे कब चेंज होगा, एंड 29 फेब के बाद जितना भी डेज है डेट्स है उसका कब चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 डेट्स लेंगे, एक लेट से 21 अक्टूबर ही लें, और एक अगर हम लोग लेते हैं 1 मार्च। ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर और सॉरी 1 मार्च नहीं, 1 फेब। एक 21 अक्टूबर है और एक 1 फेब है, ठीक है? सबके पास फोन में कैलेंडर है, सब खोलो एक बार और मेरे को बताओ कि एक तो टेबल बनाते हैं। मेरे को बताओ कि कब था, कौन सा डेज है। 21 अक्टूबर हम लोग को पता है कि थर्सडे है, 2020 में इट वॉज अ वेडनेसडे, और 2019 में इट वॉज अ मंडे। तो क्या हुआ, -1 हुआ और -2 हुआ। 1 फेब का कौन बताएगा मेरे को? इस बार मंडे था, ठीक है। 2020 में और 2019 में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि 28 फेब के पहले वाले डेट में हम लोग का 2 डेज कब खाते हैं, और 28 फेब के बाद वाले डेट्स में हम लोग का 2 डेज कब खाते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, अगर 1 फेब हम लोग देखें तो 2019 में हम लोग का 1 फेब, 2019 ऑर्डिनरी ईयर था तो 365 डेज बाद आता। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख के, वी विल राइट इट एज 2019 में क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर था तो 365 डेज था, तो आइडियली एक दिन तो बढ़ ही गए, ये हम लोग सब देख चुके हैं कि एक दिन तो बढ़ ही गए। तो क्या हुआ,
फर्स्ट फेब तक जब हम लोग गए 2020 में, फर्स्ट फेब तक हम लोग का नॉर्मल ईयर की तरह चल रहा था। इनफैक्ट 28 फेब तक एक नॉर्मल ईयर की तरह चल रहा था कि हम लोग का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एक दिन खाया हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ एक दिन प्लस हुआ। लेकिन जैसे हम लोग 28 फेब के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए, तो 29 फेब बीच में आके हम लोग का एक और दिन खा लिया वीक में से, तो इसीलिए 29 फेब के बाद मतलब 1 मार्च से हम लोग का एक दिन की जगह 2 डेज से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जैसे 21 अक्टूबर में हुआ। लेकिन अब इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है ये फेब के पहले वाले डेज में भी आना चाहिए, तो ये इफ़ेक्ट जो है ये नेक्स्ट ईयर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 29 फेब वाला एक्स्ट्रा डे था उसका इफ़ेक्ट अब हम लोग नेक्स्ट 365 डेज में कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग 2020 से 21 जाते टाइम वो एक एक्स्ट्रा डे को कंसिडर करेंगे। एंड पोस्ट 28 फेब का डेट्स में क्या होएगा, पोस्ट 28 फेब का डेट्स में हम लोग नॉर्मली बढ़ेंगे। ये चीज़ खुद अपने दिमाग में आफ्टर दिस क्लास खुद अपने दिमाग में सोचना और खुद लॉजिकली अपने आप को समझाना, क्योंकि मेरे बोलने से एक बार के लिए हो सकता है दैट यू अंडरस्टैंड, या हो सकता है एक बार के लिए यू गेट कन्फ्यूज ऑल्सो, लेकिन इफ़ यू सिट फॉर 5-10 मिनट्स एंड थिंक अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है, एंड लाइफ लॉन्ग यू विल नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो मेक श्योर कि क्लास के एंड में ये वाला चीज़ आप लोग एक बार गो थ्रू करो वापस से। अब नेक्स्ट थिंग, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लीप ईयर कब होता है, कौन सा ईयर लीप ईयर होता है? जो 4 से डिविजिबल हो, तो मतलब जैसे 2004 हो गया, 2020 हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 1980 हो गया, ये सब लीप ईयर्स हैं। हाँ, बट एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका लॉजिक इज कि एक्चुअल में जो डे होते हैं, मतलब एक्चुअल में जो एक ईयर होता है पूरा, हम लोग बोलते हैं कि वो 365 डेज एंड 1/4 डे होते हैं, राइट? इसीलिए हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लाए थे। लेकिन उसमें एक एडिशनल मिनट्स का भी कॉम्पोनेंट होता है, जिसके कारण दे हैड टू प्रोवाइड फॉर समथिंग एल्स, एंड वॉट वॉज दैट? सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स क्या होगा बोलो तो? सेंचुरी ईयर्स विल बी जिनका लास्ट 2 में 0, मतलब एवरी सेंचुरी के बाद, एवरी 100 ईयर्स के बाद। तो मान लो 1600 हो गया, 1700 हो गया, 2000 हो गया, ऑल ऑफ दीज आर सेंचुरी ईयर्स। आदिति प्लीज़ अपना माइक बंद करो, पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, थैंक्स। हाँ, तो ये सब सेंचुरी ईयर्स हो गया। सेंचुरी ईयर्स के लिए डिविजिबल बाय 4 वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, बाकी सब ईयर्स के लिए डिविजिबल बाय 4 वाला रूल अप्लाई होगा। बट मेक श्योर यू नोट दिस इन योर कॉपी, सेंचुरी ईयर्स के लिए डिविजिबल बाय 400, डिविजिबल बाय 400 का रूल अप्लाई होगा। तो अब मेरे को बोलो इनमें से कौन सा वाला सेंचुरी ईयर वॉज नॉट अ लीप ईयर? क्योंकि 2400 से डिविजिबल है और 1600 भी 400 से डिविजिबल है, बट 1700 इज नॉट डिविजिबल बाय 400। तो भले हम लोग 4 वाला रूल लगाते हैं तो 1700 4 से डिविजिबल है, बट क्योंकि वो मिनट्स वाला कंपोनेंट के कारण एक एडिशनल रूल है जो बहुत बार हम लोग को नहीं पहले सिखाया जाता है, इज कि सेंचुरी ईयर के लिए 400 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आया था एक बार कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 लीप ईयर्स, कौन आंसर करेगा? ये 2 लीप ईयर्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 8 ईयर्स। और किसी को क्या लगता है? 8 ईयर्स ही लगता है सबको। और अगर और किसी को 8 ईयर्स लगता भी है, ठीक है 7 की 8 फाइनल बोलो।
अच्छा, और किसी को बोले तो बाकी लोग को क्या लगता है टू लीप ईयर्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? सिक्सटीन नाइन्टी सिक्स लीप ईयर था। सेवेंटीन हंड्रेड फोर लीप ईयर था। अच्छा, सेवेंटीन हंड्रेड लीप ईयर था। यस, कैसे होगा दी? अभी दिखाना कि 1700 वाज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400, तो इसीलिए 1700 वाज नॉट अ लीप ईयर। एंड इनके बीच में तो लीप ईयर होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन टू लीप ईयर्स विल ऑलवेज बी 8 ईयर्स। यूजुअली 4 ईयर्स का गैप होता है, लेकिन हर सेंचुरी में जहाँ पे 400 से डिविजिबल नहीं है, वहाँ पे एक लीप ईयर स्किप हो जाते हैं, वो वाले ईयर को लीप ईयर नहीं मानते हैं, तो उसके कारण गैप एक्सटेंड्स टू 8 ईयर्स। ओके, सब ये चीज़ नोट डाउन करो कि सेंचुरी में डिविजिबल बाय 400 होता है एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन टू लीप ईयर्स इज 8 ईयर्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलेंडर में जितना चीज़ आई एम मेकिंग यू डू, यू नोट इट डाउन वेरी वेल, क्योंकि ये सब को करके ही सम्स बनेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है कैलेंडर। ये वाला पॉइंट सब कॉपी कर लिए। एवरी फोर्थ सेंचुरी इज़ अ लीप ईयर, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेंचुरी कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। हर चौथ जैसे हर चौथा साल हम लोग बोलते लीप ईयर होता है, वैसे ही सेंचुरी के केस में हर चौथा सेंचुरी लीप ईयर होगा। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज आर नॉट लीप ईयर्स। अब बताओ, ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग देख चुके हैं कि वन ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में टू ऑड डेज होते हैं। कौन बोलेगा 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज होगा? वन ट्वेंटी ऑड डेज कैसे हो सकता है जसलीन, तुम मेरे को ये बताओ।
120 ऑड डेज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 120 डेज में से कुछ कुछ डेज मिलके ऑलरेडी एक एक वीक बना लेंगे। ऑड डे खाली उसको बोलते हैं जो वीक का रिमाइंडर बच जाता है। वीक स्टार्ट्स फ्रॉम अ मंडे एंड एंड्स ऑन अ संडे। तो ये टोटल 7 डेज जितनी बार भी रिपीट होना चाहे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक संडे के बाद एक मंडे आएगा और वो वापस संडे तक नहीं पहुंच पाएगा। वो जो बचे हुए दिन होंगे उनको ओनली ऑड डेज बोलते हैं। तो ऑड डेज के नॉट एवर एक्सीड 6। तो अगर को कभी भी यहाँ पे कैलकुलेशन करते टाइम जैसे 120 हुआ फॉर एग्जांपल, अगर आपका आंसर कोई मल्टीपल ऑफ 7 आता तो ऑड डेज वुड बी 0। क्यों? क्योंकि वो सारा डेज मिला के उतना सारा वीक्स बना लेगा, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 7। लेट्स से अगर आपका ऑड डेज आता 49, 49 इज एक्चुअली 7 वीक्स, तो 0 ऑड डेज बचा। सिमिलरली अगर 50 डेज आता तो 1 ऑड डे बचता, क्योंकि 50 में से 49 डेज मिलके 7 हफ्ता बना लेते अपना खुद का। हम लोग को ये देखने कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, एंड द रिमाइंडर के नॉट एवर एक्सीड 6 डेज। क्लियर है ये चीज सबको? 100 ईयर्स में कैसे? हंड्रेड डिवाइडेड बाई 8 नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड दैट आप ये लॉजिक लगा पाए, लेकिन 100 डिवाइडेड बाई 4 होगा। क्यों? क्योंकि 100 में हम लोग सिर्फ एक सेंचुरी को कंसिडर कर रहे हैं, तो एक सेंचुरी में तो हम लोग को कंसिडर ही नहीं करना पर सेंचुरी वाला रूल, क्योंकि वो तो एक ही सेंचुरी है। तो हम लोग 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर्स होगा? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि ये फर्स्ट 100 ईयर्स है तो एक लीप ईयर हटा देंगे, क्योंकि खाली 400 वाले में हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ लीप ईयर्स लेंगे, बाकी में हम लोग का 100th ईयर को एक लीप ईयर मान रहे हैं हम लोग, बट 100th ईयर इज़ नेवर अ लीप ईयर। सिमिलरली 200th ईयर इज़ ऑल्सो नेवर अ लीप ईयर। खाली दो ईयर्स जो 400 से डिविजिबल हो, तो 400, 800, 1200, 1600, सिर्फ ये सब ईयर्स में हम लोग हर लीप ईयर को कंसिडर करेंगे, बट 100, 200, 300 में जैसे 100 को करने से कितना आएगा, 25 लीप ईयर्स आएगा, बट वी विल ओनली कंसिडर 24 लीप ईयर्स। वाई? क्योंकि एक लीप ईयर तो 100th ईयर था, एक लीप ईयर 100th ईयर था, और 100th ईयर को हम लोग लीप ईयर मान ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसीलिए 24 लीप ईयर्स। एंड हाउ मेनी ऑर्डिनरी ईयर्स? तो ऑड डेज कितना हुआ? 24 इंटू 2 प्लस 76 कितना आता है? बाकी लोग को लॉजिक समझ में आ रहा है? 24 इंटू 2, क्योंकि हर लीप ईयर का 2 ऑड डे, हर ऑर्डिनरी ईयर का 1 ऑड डे, तो इसलिए 24 इंटू 2 और 76 इंटू 1 को हम लोग ऐड कर देंगे। 124 बाय 7 नहीं, 124 डेज आ रहे हैं हम लोग के पास एक्स्ट्रा। अब 124 में से कितना डेज हम लोग का वीक्स में चला जाएगा? कैसे निकालोगे ये मैं बोलूं? 124 को, हाँ तो 124 बाय 7 करेंगे, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। वो पॉइंट समथिंग से हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोग फिर क्या करेंगे, 17 इंटू 7 कर देंगे, विच विल बिकम 119। तो मतलब कि हम लोग के पास 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो ऑड डेज इन एवरी 100 ईयर्स इज 5। ऐसे ही करके जल्दी से मेरे को 200, 300 और 400 का बताओ।
2 days आएगा, कैसे 4 आएगा, और बताओ 5 आएगा, वाह। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है, इसका आंसर 3 days है और तीनों गलत हो। अब मेरे को बताओ, पहले बताओ 2 days बताओ कैसे आया, क्या कैलकुलेशन लगाया, किसका आया था 2 days, क्या किया बोलो। एक सेकेंड, 200 divided by 4 विच इज 50, ठीक है 49 होगा, 48 ईयर्स होना चाहिए, नहीं लगता बाकी लोगों को क्या लगता है। अरे इसमें से एक 100 वाला भी तो हो जाएगा, तो इसीलिए 48 लीप ईयर्स एंड कितना ऑर्डिनरी ईयर्स, 52 क्यों, 152 ना, 200 ईयर्स है, तो ये होगा 48 इंटू 2 और ये होगा 152। थ्री क्या आंसर आया, क्योंकि 200 ईयर्स में बीच में एक 100th ईयर आया होगा, वो भी लीप ईयर नहीं था, और फिर 200th ईयर भी आया, वो भी लीप ईयर नहीं था, तो इसलिए 2 लीप ईयर्स हम लोग यहाँ पे हम लोग एक हटाए, क्यों, क्योंकि 100th ईयर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 200 में हम लोग 100th ईयर से को भी हटा देंगे और 200th ईयर को भी हटा देंगे, तो 2 हटेगा ना, तो इसीलिए 48। अब बोलो जसलीन, बहुत इजी है ना कैलेंडर, इसीलिए तो ये स्कूल थोड़ी है, ये सेट है बेटा। जल्दी से 300 और 400 का बताओ मेरे को करके, 400 का 6 होगा, थोड़ा सा और ट्राई करो, देखो यहाँ वहाँ कहीं, जब टाइम स्टार्ट हुआ था, मतलब जो भी फर्स्ट एवर डे था, इट वॉज अ मंडे, ठीक है, ये बस डिसाइडेड है कि पहला दिन इस धरती का मंडे था, तो जो भी ईयर वन था, फर्स्ट ईयर स्टार्टेड ऑन अ मंडे, तो उसका मतलब क्या हुआ, एवरी 400 ईयर्स हम लोग के पास 0 ऑड डेज हैं, तो ईयर 400 ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ मंडे, ठीक है, ईयर 400 नहीं, हाँ, तो वो भी मंडे से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 ऑड डेज हो जाएगा। अभी हम लोग सम करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन पहले बोलो सबका 1 day और 0 days आया है कि नहीं आया,
ऐसा कोई भी है जो अभी तक 1 डे और 0 डेज नहीं आया, तो हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। 400 में कितना लीप ईयर्स माइनस करेंगे? अभिषेक तुम्हारा आंसर करेक्ट कैसे आया? फोर माइनस करके करेक्ट आंसर कैसे आया मेरे को ये बताओ। गूगल पे सर्च किया नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 इयर्स तो कैसे आया? जब तक तुम्हारा 97 नहीं होगा तब तक तो तुम्हारा परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 7 बनेगा ही नहीं। हाँ हाँ क्या नहीं 300 में भी देखो हम लोग क्यों, पहले मेरे को ये बताओ हम तुम लीप ईयर माइनस क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों माइनस किए? यहाँ पे 25 की जगह 24 क्यों लिखे? मेरे को लॉजिक बताओ। देखो ऊपर हम लोग क्या देखे थे कि सेंचुरीज में खाली हर फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। एवरी फोर्थ सेंचुरी क्या होगा? एवरी 400 ईयर्स। फर्स्ट सेंचुरी कब होगा? 100 ईयर्स पे। तो मतलब 100 ईयर्स वाला जो ईयर है वो भले ही डिवाइड बाय 4 करने से लीप ईयर होगा लेकिन एक्चुअल में वो लीप ईयर नहीं है। मतलब क्या, मान लो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1600 से, ठीक है, तो 1600 से स्टार्ट करेंगे तो 1600 लीप ईयर था। हाँ उसके बाद 100 ईयर्स होगा तो हम लोग आएंगे 1700 पे। हाँ अभी हम लोग ये 100 ईयर्स का बात कर रहे हैं फर्स्ट केस में। तो आइडियली हम लोग क्या करते, 100 बाय 4 करते और आता कि 25 लीप ईयर्स था बीच में। आज तक यही लगता था कि 25 लीप ईयर है लेकिन आज क्लास में आप नया सीखे कि 1700 ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। क्योंकि हम लोग लास्ट में जीरोस मतलब जितने भी सेंचुरीज होते हैं उनके लिए क्या रूल अप्लाई करते हैं कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1700, 1800, 1900 ये तीनों 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन हम लोग जब 100 बाय 4 किए तो हम लोग तो यही सोचे ना कि 1700 भी लीप ईयर है बट एक्चुअल में वो नहीं है। तो हम लोग 25 में से एक हटा दिए और उसको ऑर्डिनरी में डाल दिया। सिमिलरली जब हम लोग 200 ईयर्स का देखें तो हम लोग 1800 पे आए। अब 1800 में हम लोग को पता है 1800 ऑर्डिनरी ईयर है, 200 बाय 4 करने से 50 आया लेकिन वो 50 लीप ईयर्स में से 1700 और 1800 तो लीप ईयर नहीं था तो इसलिए हम लोग 50 में से 2 माइनस किए। नेक्स्ट आए हम लोग 1900 में, वापस से ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इस बार हम लोग 3 माइनस किए। हाँ राइट, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग क्यों 3 माइनस किए। अब हम लोग आए 2000 में, क्या 2000 लीप ईयर है? क्योंकि वो 400 से भी डिविजिबल है। तो 2000 पे आने के बाद जब हम लोग 400 ईयर्स कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग फिर भी सिर्फ 3 ही माइनस कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग को 2000 वाला तो माइनस करने का ज़रूरत ही नहीं है। 2000 वाला को हम लोग लीप ईयर लिए थे और वो लीप ईयर है। सिर्फ 3 ही ऐसा साल आया बीच में जो बाय 4 करने से लीप ईयर था बट एक्चुअल में लीप ईयर नहीं था। ओके तो क्लियर है कि यहाँ पे 0 डेज क्यों होगा? बाकी सबको भी क्लियर है?
पहले एक तो सम करते हैं, ये याद रखना एवरी 400 डेज हम लोग का ऑड डेज बिकम्स ज़ीरो, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम्स. तो इफ़ आई आस्क यू 26 जनवरी 1950 कौन सा डे था, 26 जनवरी 1950 कौन सा डे था, प्लीज़ अपना कैलेंडर खोलने का ट्राई मत करना और इतना स्क्रॉल कर करके ऊपर जाने का ट्राई मत करना. देखो ये कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि जब ईयर 1600 हुआ तो हम लोग का ऑड डे ज़ीरो हो गया, तो हम लोग फिर से आके संडे पे ख़त्म हो गए, राइट. तो पहला 1600 ईयर्स में ज़ीरो ऑड डेज था, फिर क्या हुआ 1600 से हम लोग 1900 पे आए, तो हो गया 300 ईयर्स. 300 ईयर्स में कितना ऑड डेज होता है, 1 ऑड डे होता है. अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए, डरो मत अगर अगर लग रहा है कि ये स्ट्राइक कैसे करेगा, क्योंकि ये स्ट्राइक करने का चीज़ नहीं था, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल सम एंड उसका मेथड आई एम टीचिंग यू कि ऐसे सम को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है. हम लोग क्या किए, सबसे पहला एम होना चाहिए ऐसे सम में कि 400 का क्लोजेस्ट मल्टीपल चूज़ करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे 400 का क्लोजेस्ट मल्टीपल वाज 1600 जो पहले आया, ऑब्वियसली 2000 करके मतलब नहीं है क्योंकि फिर सब्ट्रैक्शन में हम लोग को वर्क करना होगा, तो इट डजेंट मेक सेंस. हम लोग पहले देखेंगे कि 400 का मल्टीपल कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो 1600 वाज आर क्लोजेस्ट 400 मल्टीपल. तो यहाँ तक तो हम लोग को पता है कि ज़ीरो ऑड डेज है, तो मतलब अभी हम लोग नॉर्मल कैलेंडर पर चल रहे हैं, मतलब जो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे, मतलब जो ईयर मंडे से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 1601 मंडे से स्टार्ट हुआ होगा, सॉरी 1600 मंडे से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है. अब देखो 300 ईयर्स में एक ऑड डे आ गया हम लोग के पास, 300 करने के बाद हम लोग कहाँ आए, 1900 पे आ गए. हाँ, हम लोग को और कितना दूरी तय करना है, 49 ईयर्स एंड 26 डेज, 49 ईयर्स एंड 26 डेज और हम लोग को कंसिडर करना है. तो 49 ईयर्स में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 है ना, तो 1900 से तुम अगर 50 ईयर्स आगे चला जाएगा तो तुम 51 में पहुंच जाएगा. 1950 जो ईयर है उसका सिर्फ 26 डेज देखना है ना तुमको, यू आर स्टैंडिंग इन 1950 का कैलेंडर. तो अगर तुम 50 ईयर्स का पूरा ऑड डेज देखेगा तो तुम 1950 के एंड में पहुंच जाएगा. एक बार सोचो 1900 पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग को जाना है 1950 का फर्स्ट 26 डेज, मतलब 26 डे ऑफ 1950 है ये, 26 जनवरी 1950 तो अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 49 यू टेक 50 ईयर्स, तो वॉट आर यू डूइंग, यू आर रीचिंग 1950 का एंड, बट हम लोग को 1950 के एंड तक नहीं जाना है क्योंकि 1950 के एंड तक जाके फिर अगर हम लोग 26 देखेंगे देन दैट विल बी 26 जनवरी 1951 विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट. इसीलिए हम लोग सिर्फ 49 ईयर्स एंड 26 डेज कंसिडर करेंगे. तो अब हम लोग पहले से 49 ईयर्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ 49 ईयर्स में कितना ऑड डेज हम लोग इकट्ठा कर लेंगे. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे पीरियड को पार्ट्स में तोड़ रहे हैं और हर पार्ट में कितना ऑड डेज हम लोग के पास अक्यूमुलेट हो रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है स्टार्ट तो मंडे से ही हुआ होगा और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग के पास हर 7 डेज में एक एक हफ्ता हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं. टैली में हम लोग जब टैली मार्क्स करते थे स्कूल में ऐसे करते थे, फिफ्थ वाले को टेढ़ा लाइन बना देते थे, सब ये स्कूल में किए हुए हैं.
जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे तो हम लोग चार लाइन बनाते थे, फिफ्थ वाले पे हम लोग स्लांटिंग कर देते थे। तो ये क्या होता था कि एक फाइव का सेट अलग हुआ, देन वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, इसमें पाँच होने के बाद इसको भी अलग कर देते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कैलकुलेट करते थे, काउंट कैसे करते थे, इसको 1 × 5 करते थे, इसको 1 × 5 करते थे। तो मतलब क्या हुआ, टू सेट्स रेडी हो गए हम लोग के पास। ऐसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 1600 ईयर्स में हम लोग के पास कुछ नंबर ऑफ वीक्स तैयार हो गए, एक भी ऑड डे नहीं बचा हम लोग के पास। फिर जब हम लोग नेक्स्ट 300 ईयर्स में गए और वीक्स हम लोग के पास तैयार हुए, वो कंप्लीट वीक से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीक तो मंडे से स्टार्ट होकर संडे पे एंड हो जाएगा, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं कि विच नंबर ऑफ मंडे इज इट, बस वो एक मंडे है उससे हम लोग को मतलब है। तो इसीलिए अभी तक हम लोग के पास सिर्फ वन ऑड डे अक्यूमुलेट हुआ है। नेक्स्ट 49 ईयर्स में कितना ऑड डेज अक्यूमुलेट होगा, कैलकुलेट करके बताओ। फाइव फाइव कैसे आया, बोलो फाइव कैसे आया। Why not 11? Correct है 12, लेकिन 11 क्यों नहीं होगा, मेरे को लॉजिक बताओ। हाँ, क्योंकि हम लोग एक भी सेंचुरी और नहीं किए। एक सेकेंड सर, 620 क्या खत्म करे, क्यों ये भगवान। हाँ, टोटल में 61 डेज आएगा, 61 डेज आएगा, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें से 56 वीक्स में चला गया, वेरी गुड। और फिर हाँ, तो 5 डेज बचा, वही हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग और कितना डेज कंसिडर करना है, अब हम लोग को सिर्फ 26 डेज और कंसिडर करना है। 26 डेज में कितना ऑड डेज होगा, तो टोटल में हम लोग के पास कितना ऑड डेज इकट्ठा हो गया, 11। और 11 में से फिर से हम लोग को हटाना होगा, तो टोटल में 4 डेज बचा। तो इन एसेंस पूरा सब कुछ नेट करके हम लोग के पास एक नॉर्मल हफ्ता के बाद 4 दिन और है, तो वो चौथा दिन क्या होगा, यहाँ पे कोड देखो। 4 और डेज जब भी बचेगा तो दैट डे विल बी अ थर्सडे, ओके। तो इस देखो, जैसे 0 ऑड डेज बचते हैं मतलब क्या होता है कि एक परफेक्ट वीक एंड हुआ है। हाँ, 0 ऑड डेज मतलब कि वो वीक एकदम परफेक्टली एंड हुआ है, और वीक परफेक्टली कौन से दिन पे एंड होते हैं, संडे पे। तो इसीलिए ये कोड शीट है कि अगर 0 ऑड डेज आ रहे हैं मतलब कि संडे पे एंड हो रहे हैं, हम लोग संडे पे खड़े हैं, और अगर 4 ऑड डेज आ रहे हैं मतलब हम लोग थर्सडे पे कर रहे हैं। तो 26 जन 1950 वॉज अ संडे, सॉरी वॉज अ थर्सडे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ बोलो।
क्योंकि वीक एक्चुअल में मंडे टू संडे होते हैं, इट इज़ नॉट संडे टू सैटरडे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं, तो इसीलिए संडे पे वीक एंड होते हैं, मंडे से वीक स्टार्ट होते हैं। क्लियर है सबको ये? एक और सम करो, बहुत इजी है। बाकी लोग बोलो, सबका संडे आ रहा है? अभिषेक तो बोले क्या ही क्वेश्चन दे दी मैम, इतना माथा घुमा के इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आंसर संडे है। अब एक और क्वेश्चन मैं कराऊं, कितना बज रहा है, 6। तो कैलेंडर में मेनली यही टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स से एक और क्वेश्चन कर लो कैलेंडर का। कौन सा बी आंसर है? कैसे? नहीं बी है। अरे कुछ कोई तो रीजन से कहीं पे देखा है या कहीं से याद आ रहा है। ऐसे क्या वन टाइम 5 डिवाइड बाय 4 किया ना? हां तो 273.75 आया।
1895 पहले 4 से डिवाइड किया, ठीक है 0.75 आया। हाँ फिर हाँ हाँ टू का फर्क आ रहा है, मतलब 473 और 475 आ रहा है। बहुत ही मतलब इलॉजिकल लॉजिक था, लेकिन आंसर करेक्ट है। मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या लॉजिक से करेक्ट है। बाकी लोग बोलो, बाय चांस आ गया, अगर नंबर चेंज करके दे दिया तो बोलो बाकी लोग को क्या लगता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कोई 2 साल कैलेंडर सेम होने के लिए कंडीशन क्या होगा? ऑड डे सेम होंगे, ठीक है, बट ऑड डे सेम कैलकुलेट करना इज अ वेरी टेडियस टास्क, क्योंकि 2 फुल ईयर्स का आपको ऑड डेज कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और कुछ बोलो ऑड डेज से ही रिलेटेड है, लेकिन 2 ईयर्स का कैलेंडर सेम कब होगा? अगर लेट्स से 1895 अगर मैं बोलूँ कि ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ, तो जो भी ईयर होगा वो भी ट्यूसडे से स्टार्ट होना होगा, तभी कैलेंडर सेम होगा। तो ऐसा कब होगा? एक साल ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा साल भी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कब होगा? ऑड डेज कितना होना होगा? इसका मतलब तो 7 ऑड डेज कभी नहीं हो सकते, नहीं 0 ऑड डेज होना होगा। 7 होते ही ऑड डेज 0 हो जाते हैं। अब देखो क्यों, ट्यूसडे से ट्यूसडे जाने के लिए आपको पूरा 7 डेज चाहिए होगा और 7 ऑड डेज चाहिए होगा। 7 ऑड डेज इकट्ठा करोगे तभी आप वापस घूम के ट्यूसडे पे जाओगे। हाँ तो अब 7 ऑड मतलब आपको टोटल में 7 ऑड डेज इकट्ठा करना है, विच बेसिकली इम्प्लाइज कि ऑड डेज 0 हो जाना चाहिए। हाँ तो 7 ऑड डेज कैसे इकट्ठा करोगे? 1895 में कितना ऑड डेज था? बोलो 1895 में कितना ऑड डेज होगा? इतना क्या सोच रहे हो? इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हम करा दिया कि अब यही भूल गए कि हम लोग को ऑड डेज देखने के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर देखना होता है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे, लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज। तो 1895 क्या है, कितना ऑड डेज होगा 1895 में? 1। 1896 में कितना होगा? और कितना दिन चाहिए हम लोग को? 1896 में भी नहीं हुआ। 1897 में कितना इकट्ठा हो जाएगा? 1897 में कितना ऑड डेज और हम लोग के पास आ जाएगा? 98 और 99, फिर 1900 में, वाई नॉट 2? हो गया 7। तो मतलब 1901 वापस से ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1900 के एंड पे हम लोग 7 ऑड डेज इकट्ठा कर लिए, तो ये 7 को हम लोग एक वीक बना के फेंक देंगे। तो अब हम लोग बैक टू स्क्वायर वन हो गए। हाँ तो इसीलिए
1901 will have the same calendar as 1895. Clear है? Yes, ma'am. Very good. और देखो, ट्राई करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, कंपैरेटिवली इजियर है। वेडनेसडे, एक जन बोल रहे वेडनेसडे, एक जन बोल रहे मंडे। ठीक है, और बोलो। वेडनेसडे कैसे आया और मंडे कैसे आया, पहले मेरे को जानना है वेडनेसडे कैसे आया। मंडे कैसे आया? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। बाकी लोग बोलो। क्या लॉजिक लगाया? जसलीन जैसे ही ऐसी तुक्का मार दिया। भगवान, ठीक है ठीक है। वेडनेसडे होगा, लेकिन अभिषेक एक बात बोलो, काउंट करके आया कि 28th, अब काउंट करके आया कि 28th डे मंडे होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में तो 31 डेज ही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 31 के बाद वाले मंथ में 30 डेज हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि 30 के बाद 31 नहीं हो। मतलब जैसे फेब में, जान में 31 है, उसके बाद 28 या 29 भी हो सकता है, जुलाई में 31 है, उसके बाद 31 है अगस्त में, ये भी हो सकता है, 31 के बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन 30 के बाद तो हमेशा 31 ही आएगा। तो मेरे को ये बताओ कि अगर तुम्हारा कैलकुलेशन में मंडे 28th डे आया, तो 31st डे वेडनेसडे कैसे हो सकता है? ये तो तुम खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो।
रॉन्ग, ये अभिषेक का रॉन्ग होके भी आंसर कैसे करेक्ट आते हैं? मेरे को भी ऐसा माइंड चाहिए, बट बस 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 ठीक है, समझ गया। अब बोलो सबको, ये क्लियर है ये वाला सम? जसलीन जो लॉजिक लगाया था एकदम परफेक्टली करेक्ट है, आंसर वेडनेसडे है, बट इज इट क्लियर? हाँ अब पता चल गया, अब याद रखना कि 30 के बाद हमेशा 31 ही आएगा, 31 के बाद आइडियली 30 आना चाहिए, टू एक्सेप्शंस, एक है एक्चुअली थ्री बोलेंगे, एक एक्सेप्शन है जब हम लोग जैन से फेब जाते हैं, दूसरा है जब हम लोग जुलाई से अगस्त जाते हैं, और तीसरा है जब हम लोग दिसंबर से जान जाते हैं। यहाँ पे 28 या 29 होता है 31 के बाद, यहाँ पे 31 के बाद एक और बार 31 आते हैं, और यहाँ पे भी 31 के बाद एक और बार 31 आते हैं, ठीक है? तो कैलेंडर क्लियर है सबको? हाँ, एक सेकंड। तो क्या हुआ देखो, सेकेंड डे ऑफ मंथ हैविंग 30 डेज इज संडे, तो मतलब एक 30 डेज का मंथ है, उसमें सेकेंड डे संडे है, तो सेकेंड डे अगर संडे है तो 2 + 7 नाइन्थ डे भी संडे होगा, 16th डे भी संडे होगा, 23rd डे संडे होगा, और फिर 30th डे संडे होगा। हाँ, तो 30th डे संडे होगा, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। 30th डे संडे है, वहाँ पे मंथ ख़त्म। तो नेक्स्ट मंथ कब स्टार्ट हो रहा है? मंडे को, मंडे को स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ, और फिर उसके बाद उस मंथ में 31 डेज है। हाँ, तो वो मंथ का 28th, एक सेकेंड जसलीन, एक बार वापस बोलो क्या बोला था? जो नेक्स्ट मंथ होगा ना उसमें 7 के मल्टीपल्स में चलेगा, तो 28 वाला भी संडे, 28th संडे होगा, 7 को संडे, 14 को संडे, 21 को संडे, 28 को भी संडे। हाँ, फर्स्ट अगर मंडे है तो फर्स्ट मंडे होने के बाद 31 डेज है हम लोग के पास, तो नेक्स्ट मंडे क्या होएगा? एथ, वापस पेन नहीं चल रहा, नेक्स्ट मंडे एथ, उसके बाद वाला मंडे 15th, 22nd, मंडेज हो गया ये सारा, फिर उसके बाद ट्यूसडे 30th होगा और वेडनेसडे 31st होगा। क्लियर है? बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है, तो आज एक बार हम लोग सिर्फ कैलेंडर ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्लॉक और सिलॉजिज्म कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट है कैलेंडर में, कुछ भी वापस से समझाना है? नहीं, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।